नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ललित शर्मा अबेकस ज्ञान से। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास एक्टिविटीज। अक्सर काफ़ी सारे टीचर्स मेरे से पूछते हैं, सर आप कहते हैं कि आपको संडे टू संडे 2 घंटे की क्लास लेनी है, तो 2 घंटे के अंदर हम क्लास में कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएं, क्योंकि कभी कभी हमारा टॉपिक 10 मिनट में हो जाता है, फिर बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम ऐसा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम लोग क्लास में इम्प्लीमेंट करें और उससे बच्चों की स्पीड भी मेंटेन हो, बच्चों में एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो और हम पूरा 2 आवर्स की क्लास कंप्लीट ले सकें। तो मैं आज आपको क्लास एक्टिविटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिन एक्टिविटीज़ को आप अपनी अबेकस की क्लास हो या वैदिक मैथ की क्लास हो, अबेकस हो या वैदिक मैथ हो, दोनों में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ का क्या क्या बेनिफिट है, इन एक्टिविटीज़ जो आज मैं बताने वाला हूँ, इन एक्टिविटीज़ से आपको क्लास का मैक्सिमम टाइम आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमारा टॉपिक 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाता है और जब बच्चों को हम लोग क्लास वर्क भी देते हैं तो बच्चे कभी कभी अपना वर्क मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास 60-75 मिनट तक हमारे पास टाइम बचता है। तो उसका हम यूटिलाइज कैसे करें जिससे बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, बच्चों का मेंटल मैथ भी डेवलप हो और हम हमारे टाइम का पूरा यूटिलाइज कर सके। मैं आपको बता दूं, इन एक्टिविटीज़ का एक बेनिफिट और भी है जो मैं आज बताने वाला हूं। इन एक्टिविटीज से आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाना, बच्चे 2 या 4 लेवल के बाद छोड़ देते हैं या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप ड्रॉप आउट को कैसे घटा सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के द्वारा। और एक स्टूडेंट जो अपना 2 ईयर में कोर्स कंप्लीट करे, तो कोर्स कंप्लीट करने से पहले पहले मिनिमम 10-20 स्टूडेंट का आपको एडमिशन देके जाए, वो इन एक्टिविटीज़ के द्वारा पॉसिबल है। ये एक्टिविटीज़ बहुत पावरफुल है, बस इनको करने का मेथड और तरीका सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो हम आज सब टॉपिक्स और वो एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप यकीन जानो, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से टाइम निकालता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, तो आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल भी होंगे। तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने पॉजिटिव कमेंट भी दें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप अपने क्वेश्चन को भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, टॉपिक पर आपको वीडियो बना सकूं। तो ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, इन सारी एक्टिविटीज़ को 10 एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बनाया है, जैसे टाइमर स्पीड पहली एक्टिविटी, सेकंड ओरल प्रैक्टिसेस, थर्ड है आपकी रैंडम 5 नंबर, फोर्थ है रैंडम 10 नंबर, फिफ्थ है स्पीड राइटिंग, सिक्स है यूज ऑफ फ्लैश कार्ड, एंड सेवन्थ है ब्रेन एक्टिविटीज, एंड एट्थ है पॉइंट गेम। ये जो पॉइंट गेम है ना, ये आपके इंस्टीट्यूट को जे कर्व दे देगा, यानी अगर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर 20 स्टूडेंट है तो ये पॉइंट सिस्टम, जिसको मैं स्पेशली मेरी पर्सनल ट्रेनिंग में लोगों को सिखाता हूँ, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक है नेक्स्ट है मैजिक बॉक्स कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, हमारा 11 नवंबर को झारखंड के अंदर एडवांस वैदिक मैथ का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, और 11 नवंबर को ही राजस्थान गंगापुर सिटी में अबेकस का टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इन एक्टिविटीज़ को। सबसे पहली एक्टिविटी हम लोग लेते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग, स्पीड है टाइमर स्पीड। टाइमर स्पीड क्या होता है कि आप एक स्टूडेंट को 1 मिनट का या 30 सेकंड का टाइम दीजिए,
ये बेसिक के फॉर्मेट में आपको कराना है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी है आपको। तो बेसिक में जो आप एक नंबर को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, वो स्टार्टिंग में आप विद अबेकस से स्लो मोशन में होता है, बच्चे फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं और नंबर को डायल करते हैं। लेकिन टाइमर में क्या होता है, आप अपने मोबाइल में या आप एक टाइमर लाकर एक टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने 1 मिनट का टाइम लगाया, जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जैसे मैंने टाइमर ऑन किया, अब स्टूडेंट टाइमर के अकॉर्डिंग बहुत तेजी से एडिशन कर रहा है। अब चाहे तो आप उसे कॉमन नंबर दे दें, आप 13, अब बच्चा 13 को अगेन एंड अगेन प्लस कर रहा है, आप देख सकते हैं बच्चा कितना फास्ट कर रहा है। ये जब टाइमर से बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो बच्चे की जो स्पीड है पहले की कंपेटिवली कई गुणा तेज हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को आपने टारगेट दे दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है। अब 1 मिनट के अंदर कौन मैक्सिमम करेगा, वो बच्चा विनर होगा। किसी काम को जब हम बहुत तेजी से करते हैं तब हमारा लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, और उस समय बच्चे की स्पीड तो तेज होगी, साथ में बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। और बच्चे को हमेशा ये मोटिवेट करना है कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन दूसरे बच्चे से नहीं है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन खुद से है। अगर आज आपने 1 मिनट के अंदर 20 टाइम्स अगर आपने एडिशन किया है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको अपने आप को आपको हराना है। पास वाले बच्चों को नहीं हराना है, क्लास में बच्चों का आपस में कंपटीशन नहीं, स्वयं का कंपटीशन होना चाहिए। स्वयं से आप जब कंपटीशन करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपका स्पीड इंक्रीज होना चाहिए। अगर 20 किया है तो नेक्स्ट क्लास में आपका 21 होना चाहिए। चाहे आप एक नंबर बढ़ाएं, लेकिन स्पीड को बढ़ाना है और आपको अपने आप को बीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी ओरल एक्टिविटीज। ओरल एक्टिविटीज जो आप लोग जानते भी हैं, लेकिन हमने पूरा लिस्ट बनाया है किस किस एक्टिविटी को कराना है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको अपनी बुक के अलावा, बच्चे बुक में से क्वेश्चन देखते हैं, टूल पे करते हैं या मेंटल करते हैं, आंसर तो लिखते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस देनी है। आप अपनी हमारी जो प्रैक्टिस बुक है उसमें 1000 क्वेश्चंस हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको वो बुक भी नज़र आ रहा है, इस प्रकार की बुक में क्वेश्चन भी है और नीचे आंसर भी है। तो आप नंबर बोले, बच्चों से क्वेश्चन पूछे, बच्चे अपने अबेकस में डायल करेंगे और आंसर बोलेंगे, या मेंटल कराना है तो मेंटल करेंगे। अब वो क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है आप इस बुक में देख सकते हो, या आप अपने अगर बुक परचेज नहीं भी करना चाहें तो इस प्रकार के क्वेश्चन से भी आप बना कर रखें। तो ये बुक सभी स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स को देना है, और पेरेंट्स को स्पेशली आपको बोलना है कि आप घर पे इस बुक से बच्चों को ओरल की प्रैक्टिस कराएं। जैसे मान के चलो आपको बेसिक करना है 44 का, अब बच्चों ने 44 प्लस किया 1 मिनट तक, और मान लो किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया 1 मिनट के बाद कि सर मेरा आंसर 2680 आया। अब बताओ उस क्वेश्चन से बच्चे का आंसर राइट है या रॉन्ग है? अब आपके डिवाइड करने बैठेंगे, नहीं कर सकते। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए जिससे आप बच्चों को पता कर सके कि अगर बच्चे ने 1 मिनट के अंदर जो ऐड किया या सबट्रैक्ट किया है, जो आंसर बोल रहा है वो राइट है कि रॉन्ग है। क्योंकि बच्चों को आप टाइमर पे स्पीड जो मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन दो, वही दो जो इस बुक में है, ताकि उसको चेक करना आसान हो जाए। तो इस प्रकार प्रैक्टिस बुक के थ्रू और टाइमर के द्वारा आप बच्चों को प्रैक्टिसेस कराएं। और बहुत सारी एक्टिविटीज है, अब इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज और मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। आप इतना जो एक्टिविटीज बताया इनका प्रैक्टिस इस संडे को ही कराएं अपनी क्लास के अंदर, और नेक्स्ट संडे से पहले फिर मैं अदर एक्टिविटीज को एक्सप्लेन कर दूंगा और आप जाके क्लास में इम्प्लीमेंट करें।